नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज और मैं आपके साथ हूं अमित यादव। बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पिछले 12 दिन से चल रही है और इसी बीच शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर हाई कोर्ट से आ रही है, जहां पर टीईटी शिक्षकों ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जिससे उनका समान काम का समान वेतन का मामला का रास्ता खुलता है। और इन्हीं सब बातों के लेकर जो याचिकाकर्ता टीम थी सिवान की, उनके जो मुख्य याचिकाकर्ता कुमार सौरभ और उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या था मामला और किस मामले में उन्हें जीत मिली है। सबसे पहले सौरभ जी से बात करेंगे। सर, क्या मामला था और किस मुद्दे को लेकर आप लोग समान काम समान वेतन का जो केस था हार चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप लोग किन मुद्दों को लेकर न्यायालय में गए? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को व्यक्त करता हूँ, आपने हमें लाइव आने का मौका दिया। अमित जी, जो सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से हम हार गए। एक्चुअली हम लोग हारे नहीं, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है और उसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें 1278 से लेकर 80 तक टीईटी शिक्षकों के लिए था और जो पूर्व नियोजित शिक्षक हमारे भाई हैं उनके लिए 20% की वेतन बढ़ोतरी थी और इससे ज़्यादा भी अगर वो वेतन बढ़ोतरी चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप एक एग्जाम कंडक्ट करा कर और इन लोगों को और वेतन बढ़ोतरी दे सकते। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला एलपीए में जो फैसला आया था उसमें शिक्षक निराश हो गए और जो मूल बिंदु थे उनकी तरफ उनका ध्यान गया नहीं। हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना में यही अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसने 1278 में टीईटी शिक्षकों के लिए एक्सपर्ट टीचर होने की बात की और एक्सपर्ट टीचर को बेहतर वेतनमान और बेहतर सुविधाएं देने की बात। इसके अलावा हम उच्च न्यायालय में अपना अलग पैटर्न बनाने की बात। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये 1278 क्या है? बहुत सारे लोग मन में ये है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये सुझाव दिया राज्य सरकार को कि आप उन्हें दे सकते हैं, ये आदेश था या सुझाव था? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो सुझाव ही दिया है, लेकिन वो देश की सर्वोच्च संस्था है और उसके सुझाव को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अभी तक बिहार सरकार ने उनके सुझावों को हमेशा दरकिनार किया है, चाहे आईटीआई हो या चाहे सदन में क्वेश्चन उठाया। अभी हमारे केस में क्या हुआ है, हमारे केस की सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि जो माननीय जस्टिस अनिल उपाध्याय जी ने उन सुझावों को ऑर्डर में बदल दिया। उन्होंने कहा है कि देश की सर्वोच्च संस्था के जो सुझाव हैं आप उनको लेटर एंड स्पिरिट यानी हूबहू कहिए या कहिए अच्छा सा पालन करते हुए हमारे लिए अलग संविधान। और उसमें रही बात 1278 में, तो 1278 की जो बात है वो सीधे सीधे टीईटी शिक्षकों का संबंध है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि यहाँ जो भी हमारे केस में पिटीशनर है सब टीईटी क्वालिफाइड टीचर हैं और एनसीटी आरटीई और जितनी भी देश की संस्था है जो कि टीचर्स के लिए मानक तय करती है उनके सारे मानकों को पूरा करते हैं। ये तो बिहार सरकार की एक तरीके से कहिए कि ज्यादती है कि जो आरटीई और एनसीटी के मानक पूरा करते हैं उनको भी ये नियोजित शिक्षक की कैटेगरी में रखते हैं। हमने वहाँ मांग किया था कि जो आप आरटीई लाए थे जब आरटीई बिहार सरकार ने जारी किया था और टीईटी परीक्षा की अधिसूचना इन्होंने जारी किया था उससे पहले तक बिहार सरकार ने भी माना है कि इस परीक्षा से जो बहाल होंगे शिक्षक हम उनको बेहतर वेतनमान और अन्य सुविधाएं देंगे। यहाँ तक इन्होंने लिखा है कि पेशेवर और अस्थायी सवर्ग में हम इनकी नियुक्ति करें, लेकिन जब अंतिम में नियुक्ति की बात आई तो वहाँ पे इन्होंने एक अधिसूचना ले आए और ये नियोजन की बात की है। यानी अगर बिहार के राजपत्रों की हम बात करें तो शुरू के दो राजपत्रों में इन्होंने पेशेवर और अस्थायी समर्थ में हमारी नियुक्ति की बात की है और अंतिम जो इनका राजपत्र आया या कहीं अंतिम अधिसूचना जिसके तहत हम प्रक्रिया में बहाल हुए उसमें इन्होंने उस चीज को नियोजन में कर जो कि सरासर नाइंसाफी था। कोर्ट ने हमारी इन तथ्यों पर ध्यान दिया है और इसीलिए माननीय न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने सीधे सीधे बिहार सरकार को आदेश दिया है, बिहार सरकार के मुख्य सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि आप 4 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव हैं उसको आप लेटर इन स्पिरिट यानी हूबहू वही चीज मानते हुए इनके लिए बेहतर वेतनमान और बेहतर नियमावली की स्थापना करें, उनको बनाएं
ये हमारे केस का फैसला है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने लोगों की टीम थी जो उच्च न्यायालय गए थे और कैसे आप लोगों ने वहाँ पर इस केस को लड़ा? इस केस में थे और हमने जिसमें कुमार सौरव जो थे हमारे मुख्य अधिवक्ता थे, इसके अलावा और भी हमारे साथी थे और हमने सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुझाव था उसको हमने अध्ययन किया और उसके बाद जो है हमने 1278 को मुख्य मुद्दा रखा और उसके हिसाब से हमने तैयारियाँ की और उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो केस है वो उसमें तो आ गया है आप लोग के पक्ष में फैसला, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? अगर सरकार चार महीने का वक्त दिया है उच्च न्यायालय, अगर सरकार फैसला इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? जी, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कोर्ट का फैसला आता है तो उस फैसले के बाद अगर सरकार उसको नहीं मानती है तो कंटेम्प ऑफ कोर्ट होता है, न्यायालय की अवमानना होती है, कुछ हम अवमाननावाद दायर करेंगे तो हमारा तो स्टैंड यही होगा। अभी कोर्ट का जो फैसला आ गया है उसके बाद हम मुख्य सचिव बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें हम उन सभी बातों को रखेंगे, तो उस मांग को रखेंगे जो हमने अपनी मूल याचिका में कही। हमारी मूल याचिका में तीन मुख्य मांगें थी। पहला, प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ द टीचर्स हु हैव बीन रिक्रूटेड अंडर आरटीई एक्ट। और आप जानते हैं कि आरटीई एक्ट जो सेंट्रल लेवल पे लागू हुआ उसके पैरा 20 में ये कहा गया है कि इस नियमावली के, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद जो भी टीचर बहाल होंगे, वेदर एट स्टेट लेवल, वेदर एट लोकल अथॉरिटी, वेदर एट सेंट्रल लेवल, उनको बेहतर वेतनमान देना है, पे स्केल में बहाली करना है, मेडिकल फैसिलिटी, एचआरए, ग्रेच्युटी, पीएपीटीसी सब देना है। लेकिन आप जानते हैं कि पूरे बिहार ने देखा कि 2006 की नियोजन नियमावली में अमेंडमेंट करके और आरटी एक्ट के तहत जो पीईटी क्वालिफाइड टीचर्स हुए उनको नियोजन में बहाल कर दिया। इस प्रकार हम लोग शिक्षा मित्रों से भी नीचे आ गए, बेसिक ग्रेड के टीचर। तो हमने कोर्ट से यही दरख्वास्त की कि सेंट्रल लेवल पे जो एक्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाए। बिहार लेवल पे 12 मई 2011 को बिहार सरकार ने आरटी एक्ट अपना लागू किया, उसके पैरा 17 में बिहार सरकार ने कहा है कि द गवर्नमेंट विल क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ द टीचर्स। तो जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो आप इस बात को बताइए कि क्या 6,000 रुपये नियत मानदेय का कैडर जो शिक्षकों का है या प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ द टीचर्स है, इसमें वेतनमान कहाँ है, इसमें ग्रेच्युटी कहाँ है, इसमें चारे एंड मेडिकल फैसिलिटी कहाँ है? यानी कहीं ना कहीं आप शिक्षा को रसातल में ले जाने की नियमावली बना दिए। आप एपेक्स कोर्ट का जो डिसीजन हुआ 12 मई 2019 का, उसके पैरा 78 और उसके आगे में भी कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने माना कि ये जो टीचर हैं जो पीटी क्वालिफाइड हैं, दे आर एक्सपर्ट टीचर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, बाकी और किसी को नहीं कहा। तो जब इस फैसले को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ऐसी बातें हो रही है कि ये केवल कोर्ट ने केवल सेवा शर्त बनाने के लिए चार महीने का वक्त दिया है सरकार को। आखिर फैसले को हम विस्तार से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर एक्चुअल फैसला है क्या और किन शिक्षकों के लिए फैसला है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल रहा और इस पर मैं विस्तृत प्रकाश डालता हूँ। तीन हमारी मांगे हैं। एक तो जो लोग आरटीई एक्ट के तहत बहाल हुए हैं टीईटी परीक्षा देकर, उनको प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर में रखे, उनका एक अलग से संवर्ग बना, ये पहली मांग थी। दूसरी मांग हमारी थी कि जो एपेक्स कोर्ट ने 12 मई 2019 का सेम वर्क सेम पे में जो फैसला दिया है उसके पैरा 78 को लागू किया जाए और हमको बेटर पे स्केल दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग थी कि बिहार सरकार ने एक रिजोल्यूशन 11 अगस्त 2015 को पास किया था, उसमें उन्होंने एक कमेटी भी बनाई
कमेटी में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सरकार के वरीय अपर महाधिवक्ता को भी रखा गया। इस कमेटी को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, जिसमें शिक्षकों के लिए डिजायरेबल ट्रांसफर और ये यानी ऐच्छिक स्थानांतरण, विभागीय प्रोन्नति संबंधी सर्विस रूल फ्रेम करना था और इस कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। आज तक की रिपोर्ट, इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन केस मुकदमे होते रहे ये, लेकिन ये सेवा शर्त लागू नहीं हो रही थी। इसको सेवा शर्त न लागू होने को लेकर हमारे कई शिक्षक और शिक्षिकाएं विभिन्न जिलों में अपने घर से काफ़ी दूर हैं और हम चाहते थे कि डिजायरेबल ट्रांसफर के तहत वे आए अपने मूल जिले में। तो हमारी तीसरी मांग ये भी थी कि सर्विस रूल फ्रेम किया जाए। इन सभी बातों को लेकर जी हमारी इन तीनों मुख्य मांगों को ध्यान में, सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए और एपेक्स कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को यह ऑर्डर किया है कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सर्विस रूल शिक्षकों के लिए फ्रेम कीजिए। तो इससे क्या लगता है कि इससे जो ये समान काम का समान वेतन या फिर राज्य कर्मी का दर्जा जी जो परमानेंट टीचर है उसका रास्ता खुलता है कहीं ना कहीं? देखिए मैं, हम लोग होपफुल हैं क्योंकि एपेक्स कोर्ट में सरकार ने जो भी जिस ढंग से भी अपने फैक्ट को रखा है, एपेक्स कोर्ट ने इस बात पर कहीं नहीं कहा कि आप राजकर्मी का दर्जा दें या ना दें। सरकार पर छोड़ दिया कि आप इनके लिए कुछ बेहतर कीजिए, तो जब बेहतर करेंगे, सरकार तो ऐसा नहीं है कि हमें छांट देगी, हम आगे ज्ञापन में देंगे कि हमको राजकर्मी का दर्जा भी दीजिए। और तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विधानसभा में, विधान परिषद में कि किसी भी कीमत पर सेम वर्क सेम पे वाला कानून लागू नहीं होगा, ये वो तो इसे न्यायोचित ही नहीं ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वेतन बढ़ाएंगे, वेतन बढ़ाते हैं, वेतन बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है, आप लोग होपफुल हैं कि हम लोग जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी? सर मैं इस बात को पुनः कह दूं कि अब हम मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आशान्वित नहीं है, वो उन्होंने आज तक अपने मन से जो समझ में आया वो किया। हम सीधे सीधे एपेक्स कोर्ट में सभी लोग गए थे और एपेक्स कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए गए हैं। अगर कुछ होगा भी बेहतर, तनख्वाह बढ़ेगी भी, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की रहम और कृपा नहीं होगी, बल्कि अभी माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जो फैसला हमारे पक्ष में हाईकोर्ट से दिया गया है उसके आलोक में लागू करने की बात होगी, ये मुख्यमंत्री जी की कृपा नहीं होगी। तो ये जो फैसला आया है, जानना चाहेंगे कि इसका ज्ञापन आप लोगों ने विभाग को दिया है या फिर सरकार को दिया है? जी उसी की हम लोग ड्राफ्टिंग यहाँ बना रहे हैं और अतिशीघ्र हम इन तमाम लोगों को देने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। सौरभ जी भी कुछ बातें करना चाहते हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये जो फैसला है अगर लागू होता है तो क्या मिलेगा TAT शिक्षकों को? सबसे बड़ी बात है कि बेहतर तो वेतनमान की बात कही गई, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम लोग 5200 का वेतनमान पा रहे हैं और इससे बेहतर जो वेतनमान होता है वो 9300 का। तो हम तो आशान्वित हैं कि सरकार हमें 9300 अर्थात जो मूल वेतन एक शिक्षक के लिए होना चाहिए उसमें ले जाएगी, लेकिन अभी रही ये बात सरकार की, अगर सरकार कोर्ट के न्यायालय के आदेश में थोड़ी सी भी अंतर करती है तो हम इसे कंटेम्प्ट में ले जाएंगे, हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाएंगे। जो हम आपके चैनल के जरिए पूरे बिहार के TAT शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी टीम छोटी जरूर है, संघर्ष कर रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और जहां से इस सरकार को लगता है कि समान काम समान वेतन का रास्ता बंद हुआ, हम वहीं से TAT शिक्षकों के लिए रास्ता खोलेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थी सिवान की TAT शिक्षकों की टीम, जिन्होंने उच्च न्यायालय पटना में केस जीता है और ये आशान्वित हैं कि इन लोगों को बेहतर वेतनमान सरकार देगी। धन्यवाद।